चलिए हम दूसरा रुख देखते हैं इसका, जो आपको लग रहा है कि बाबा ने पैसे दे दिए हैं और हमें पता नहीं है, है ना? हाँ। पैसे कहाँ से है बाबा के पास? हो सकता है जुहेब से लेकर दियो। नहीं, कुछ अरसा हुआ है जुहेब की नौकरी को, कितनी सेविंग कर ली होगी? तो फिर कोई प्रॉपर्टी बेच दी होगी, इतनी प्रॉपर्टी तो है। नो नो बाबा, प्रॉपर्टी बेचें मेरे मशवरे के बगैर, ऐसा नहीं होता इस घर में। अच्छा, कह तो आप ठीक ही रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यावर भाई को देखकर ऐसा नहीं लगता। कैसे? कि वो पापा को ले गए घर, वो भी बगैर पैसों के। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हें मेरी लाइफस्टाइल से कोई इशू नहीं होगा, तो मेरे आने जाने की टाइमिंग्स और मेरा ड्रेसिंग स्टाइल मेरे लाइफस्टाइल का पार्ट ही है। और अगर तुमने अपने वादे से मुकरने की कोशिश की तो तुम उसका अंजाम जानते हो। नवाल, तुम शायद भूल रही हो कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे साथ कॉपरेट करोगी। कॉपरेट करने का मतलब जानती हो तुम? कि तुम मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखोगी। अब अगर तुम्हें मेरा सांस लेना भी बुरा लगने लगे तो क्या करूं? सांस लेना छोड़ दो। अरे कैसी बातें कर रही है तू, तेरे को फोन नहीं कर सकता क्या? साली लगती है मेरी। ये फजूल की बातें मत करो, ये बताओ कॉल क्यों की है? चल ठीक है, फजूल बातें नहीं करता, अब काम की बात कर लेता हूँ। वो तेरा देवर है ना, उसका नंबर तो भेज मुझे। किसका? जुहेब का? तुम्हें जुहेब का नंबर क्यों चाहिए? ओए तेरा नाम नहीं आएगा, तू बेफिक्र हो जा। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।